पहाड़ गिरा हुआ है और इसकी वजह से ये वन वे बन गया, पहले टू लाइन का था ना ये। अब देखिए पुल था और पुल को लेकर सीधे मतलब डर गया यहाँ का पहाड़। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 27th of August एंड आज मैं जा रहा हूँ बीरगंज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता है जैसे कि डॉली गई हुई है मुजफ्फरपुर एडमिशन के लिए, तो उसका एडमिशन हो चुका है और वो कल आएगी बीरगंज, तो मैं उसको जा रहा हूँ बीरगंज उसको रिसीव करने के लिए। तो चलते हैं और आज का ब्लॉग बहुत बेटर बनने वाला है, क्योंकि मैं पर्सनली ब्लॉग बनाने के लिए मैंने लिया है केबिन में सीट, जो कि मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूं। सो आप बने रहो और मैं चलता हूं। फाइनली मैं कलंगी पे पहुंच चुका हूं और मैं कुछ नज़ारा दिखाता हूं कलंगी से। नॉर्मल जो पहाड़ पे घर होता है किस टाइप का दिखता है, क्योंकि नाइट का व्यू कुछ अलग ही तरीके का दिखता है, एकदम डिफरेंट। सो आप देख लो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है कलंगी से कुछ नज़ारा दिख रहा है। फिर से गाड़ी वहीं पे रुकी हुई है जो पिछले बार रुकी हुई थी, उसी ढाबा के पास में, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ढाबा है। और फिर मैं आज यहाँ पे नहीं खाने वाला हूँ, मैं फिर बनाकर ही लाया हूँ। आज उस टाइम तो डॉली बनाई थी, बट इस टाइम मैं खुद से ही बनाकर लाया हूँ। सो मैं चलता हूँ, बस मैं बैठता हूँ और खाता हूँ पहले आप, उसके बाद फिर मिलते हैं। सोच रहा हूँ कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता हूँ एक बार, ठंडा ठंडा। कोका कोला जी, तो सोच रहे कोका कोला ले लेते हैं। इसका कितना है? इसका 120। तो देख लो, ये है, ये नेपाल में 120 पड़ रहा है इसका प्राइस। मतलब यार कितना प्राइस है इसका, यहाँ पे MRP 80 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ढाबा साइड में जब आप लोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सो कोई नहीं, मुझे लेना पड़ेगा, एक मजबूरी है तो लेता हूँ।
गिरा हुआ है ये वाला था। ये जो देख रहे हो पहाड़ गिरा हुआ है और इसकी वजह से ये वन वे बन गया, पहले टू वे टू लाइन का था ना। ये अब देखिए पुल था और पुल को लेकर सीधे मतलब ढक गया यहाँ का पहाड़। ए बाप रे भयंकर, बहुत डेंजरस है यार। इधर अंधेरा है बट देख लो कैसे पहाड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं गाइस। ये कब का बात है? ये कब का बात है? एक महीना पहले गिर गया है ना, मतलब पहले ऐसा था, ऑनलाइन बन गया दो दिन। ओहो, जैसे कि बता रहे हैं कि दो दिन तक जाम था। गाइज फाइनली हम अकबरगंज पहुंच गए हैं घंटा घर और अभी रूम पर जा रहे हैं। बिकॉज थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है इधर, तो मैं रूम पे जा रहा हूँ। डॉली उधर से मुजफ्फपुर से 9 बजे निकलेगी, तो मैं भी 2-3 बजे तक यहाँ पहुँचेगी। सो कोई नहीं, मैं रक्सौल जाके उसको रिसीव करूँगा और फिर शाम को फिर इधर से मैं बीरगंज से काठमांडू के लिए निकलूँगा। तो ठीक है,